हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम रन वर्ल्ड एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हम आपको बता दें, यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन देखने को मिलेंगे जिसमें आप परीक्षा देने जाएंगे, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, नहीं तो आपको परीक्षा में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो परीक्षाएँ इस बार होने वाली हैं ये जिला स्तर पर होंगी और जिसमें काफ़ी सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा और ये परीक्षाएं काफ़ी सख्ताई से कराई जाएंगी क्योंकि नकल होने की संभावना यहाँ काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, प्लस काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स का हम आपको यहाँ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है वे डॉक्यूमेंट्स, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें जो सबसे पहले है वह एडमिट कार्ड की कॉपी, यानी जो आपने एडमिट कार्ड निकाला है उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और जो आपकी आईडी प्रूफ है उसकी बात करेंगे तो आईडी प्रूफ में जो आपका आधार कार्ड भी चल सकता है, या फिर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अन्य आईडी है तो जैसे कि उसका भी यहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेन बात है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या जो भी आपने वहाँ पर लिखी है, जो भी आपने फॉर्म में लिखी है, वो आपके डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, अन्यथा आपकी वह आईडी वहाँ पर निराधार मानी जाएगी, यानी वो उससे मैच करती नहीं मानी जाएगी। तो आपको ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा जो वहाँ पे आईडी में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है वह डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम वहाँ पर आपको दिखनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो भी आधार कार्ड या वोटर आईडी होगी तो उसकी आपको फोटोकॉपी भी एक करवा के रख लेनी चाहिए अपने पास, क्योंकि ये भी मांगी जाएगी। तो आपको अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी या जो भी आप पैन कार्ड लेके जाएंगे उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, जिसकी वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और एक अन्य चीज़ जो इस बार देखने को मिलेगी वो जो आप अपने साथ कैरी करेंगे वह पेन या पेंसिल होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको रेफर करने के लिए कोई भी अन्य साधन नहीं दिया जाएगा, तो आप अपना एक एक्स्ट्रा पेन और पेंसिल जरूर लेकर चलें। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर होनी चाहिए जो कि वहाँ पर मांगी जाएगी। तो आप अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर रखिएगा, जहाँ आपने फॉर्म भरा है उससे संबंधित वह फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप वहाँ परीक्षा केंद्र में जाएंगे, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका फिर भी कोई अन्य सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं और एक अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।